हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। और सबको पता चल गया होगा कि यार सबोस लाई इज रेड। भले ही आपका ट्विटर अभी काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो, आपकी लिमिट हो या ना हो, वो तो सबको पता चल गया होगा कि सबोस लाई इज रेड। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि कैसा बंदा है वो। सबको पता है कि यार हाँ 70 मिलियन रिलीज क्लॉज हमने दिया है आरबी लाइपज़िग को, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जो लिवरपूल ने उसे साइन किया। सो इसीलिए हमारे साथ पोएटिक स्केल है, सारांश हमारे साथ है और वो एनालाइज करेगा। आपको पता है, आपने देखा ही होगा सारांश के वीडियो, वो डेटा को लेके प्लेयर को एनालाइज करता है। और हम आज बात करेंगे अपने नंबर 8 के बारे में, सबोसलाई के बारे में। सो सबसे पहले तो सारांश, वेलकम टू द चैनल। और कैसे हो भाई? थैंक यू भाई, बढ़िया यार। बस थोड़ा सा दुख में है कि चेल्सी के सारे प्लेयर जा रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये भी है कि उनको जाना भी था, जो मन नहीं है उनको खेलने का। बाकी सबोसलाई की बात करें, वो शायद अब तो वीडियो में, अभी अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने अभी 1 घंटे पहले ही उनकी कोई लिवरपूल के पेज पे इंस्टाग्राम के वीडियो देख लिया, शायद वो आ गया है, कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया है, नंबर 8 है उसने लिया, नंबर 8 है। मगर बहुत ही बड़ी लेगेसी आप कह सकते हो कि केटा भी था, मगर जराड ही, अगर लिवरपूल का नंबर 8 तो जराड ही याद आएगा। और केटा भी लाइपज़िग से आया था। हाँ, केटा भी लाइपज़िग, होपफुली उससे थोड़ा अच्छा कर ले भाई, उससे थोड़ा अच्छा और कंसिस्टेंट रहे। हाँ, कंसिस्टेंट रहे, बिल्कुल वही है। बाकी एक्चुअली सबोसलाई की और केटा की प्रोफाइल तो काफी अलग, सिमिलर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज मतलब ये एक अगर हम वीडियो के स्टार्ट में बात करें तो कि ट्रांसफर जो अभी रूमर्स चल रहे हैं, तो उसके लिए एक मैंने काइंड ऑफ छोटा सा एक एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करी है। तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी तो जैसे इस आज के लिए तो मैं बस उसमें प्रीमियर लीग का पिछले सीजन का डेटा बता, 22-23 एंड कौन सा बुंडेसलीगा का 22-23 का, दोनों डेटा को मर्ज कर लो या फिर ऐड करके जो भी है, एक पूरा पूरा डेटा बना के उन दोनों को प्लस करके समझ लो। हाँ, तो एक डेटा बना के एक एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करिए कि लाइक मैं कोई भी प्लेयर देखूँ, जैसे विंगर प्रोफाइल देखूँ, फुल बैक देखूँ, कुछ भी देखूँ, तो उसके सिमिलर टाइप के प्लेयर कौन कौन से, तो एक रेटिंग बनाने की कोशिश करिए 1 to 10 की, जिसमें अगर सपोज करो जितना भी है उसके आसपास जितने भी प्लेयर हैं, लाइक सपोज लाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे पता नहीं कितना है, सपोज लाएगा 8 हो तो 10 कौन है, 9 कौन कौन से प्लेयर वाले हैं, 8-10 पॉइंट मतलब 8 से पास वाले, 10-9-7-6, ठीक है, तो ये सब आज मतलब जितने भी है सिमिलर कितने प्लेयर मिलेंगे हमें, तो वही प्रीमियर लीग के, बिकॉज हम प्रीमियर लीग में वो जा रहा है तो हमें प्रीमियर लीग देखना है, बुंडेसलीगा नहीं देखना, तो इस टाइप का बनाने की कोशिश करिए। तो मैं अगर मैं आपको दिखाऊं उस पे और उसमें आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब ये मैं आपको एक वो दिखा रहा हूँ कि कोड काफ़ी कोडिंग है, लेकिन अभी मैं इसको एक एंड प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ ताकि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब यूज़ कर सके। अभी मुझे क्या कहते हैं वेबसाइट बनाना है वो सब नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि क्या कहते हैं आने वाले 1-2 महीने में इसको मैं बना दूँ, क्लियर कर लूँ। तो ये रेटिंग में आप ऊपर की कोडिंग ना देखे सीधे हम रेटिंग में जाएँ, तो जो डेटा हमने मैंने बात करी थी उस पर सबोसलाई 2nd नंबर पर है, 0 to 1 मतलब 0 से स्टार्ट होता है, मतलब जो 0 जो रैंकिंग होती है पाइथन में, पाइथन कोडिंग है, तो 0 फर्स्ट नंबर होता है और जो भी 0 से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, 0 स्टार्ट होता है। तो सबोसलाई की हम बात करें लाइपज़िग पे, इसका रेटिंग बनी है 9.49 जो उसकी प्रोफाइल है, जो मैंने स्टैट्स को मतलब के कितने एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करी है। तो इसके सिमिलर आप देख रहे हो ब्रूनो फर्नांडिस सबसे ज़्यादा ऊपर, वहीं आप थोड़ा नीचे जाके देखो हार्वे एलियट, लिवरपूल का हार्वे एलियट, देन आफ्टर दैट बर्नार्डो सिल्वा, और एक और मैंने प्लेयर लिया है जाकि ज़्यादा छोटा ना करें, जेम्स मेडिसन लेस्टर सिटी, उसके नीचे मैं ज़्यादा नहीं गया हूँ क्योंकि फिर हम जाते रहते तो काफ़ी बनता है। लेकिन खाली हम लिवरपूल की बात करें तो रोबर्टो फर्मिनो बट बहुत ही कम रेटिंग है, 5.57 है, मतलब सिमिलर नहीं है इतना जितना हार्वे एलियट है 8.54, कोडी गाक्पो तो 3.71 है। तो इन तीनों को हम लेके हम अगर बनाए एनालिसिस करें कि कौन कितना पास है, तो लेकिन आप दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, सबोसलाई, हार्वे एलियट, सबसे सबसे ज़्यादा अपने एंड और जेम्स मेडिसन, ये सब लोग अपने जो भी ये क्या कहते हैं अपने कैंपेन में विंग, राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये कोई लेफ्ट विंग खेल रहा है, कोई राइट विंग खेल रहा है और कैम खेल रहे हैं, तो सब के सब कैम भी हैं
और विंगर्स भी, कभी कभी विंगर भी पहुंचा देते हैं किसी किसी मैच पे, ठीक है। तो जैसे आप ब्रूनो को देखा होगा राइट विंग पे कभी जाता है, तो जब क्या नाम है वो जेडन सैंचो नंबर 10 खेल रहा था तो ब्रूनो खेला था राइट विंग पे, ऐसा चल रहा था। जेम्स मैडिसन का आपने देखा है, कैम खेलता है तो राइट विंग भी कभी कभी खेलता है। हार्वी एलियट से तो आप सबसे ज्यादा समझ गए होंगे कि विंगर भी जाता है, और क्या कहते हैं ट्रेंड को, स्टैंड के सामने वाला जो मिडफील्डर होता है वो खेला है, इनसाइड भी खेला है, तो दोनों हाफ स्पेस पे भी खेल रहे हैं एंड विंगर भी खेल रहे हैं। तो सेम चीज सोबोस्लाय भी है, तो तभी ये सिमिलर हुड बना है, सिमिलर हुड कह रहा हूं, सिमिलर स्कोर्स बने। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस, बोलो बोलो। सिंपल भाषा में तुमने क्या किया है कि एक सेट ऑफ प्लेयर लिए है, मतलब कि चलो सोबोस्लाय हमारा कैम कह लो आप या फिर अटैकिंग मिडफील्डर कह लो, तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको सभी डेटा लिए है और दोनों लीग से कंपेयर किए है और निकाले है कि कौन से प्लेयर सोबोस्लाय के आसपास के है या फिर करीबी है, बिल्कुल सिमिलर प्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, सिमिलर प्रोफाइल है। तो उसमें ब्रूनो निकला और जेम्स मेडिसन निकला, हार्वी एलियट जो लिवरपूल का बंदा है वो निकला, और उसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा निकला। बिल्कुल बर्नार्डो सिल्वा और जेम्स मेडिसन, हाँ आपने बोल दिया। तो ये पांच छह निकाले, तो इन्हीं से ही कंपैरिजन किया, करते तो बहुत सारे से कर सकते थे लेकिन अभी इन्हीं से कंपैरिजन किया है। एंड थोड़ा सा मतलब ये रेटिंग अगर कैसे निकली है, तो एक कैम का सबसे मेन रोल मेरे ख्याल से चलो ये छोड़ो, ये काटो, बहुत लंबा डिस्कस हो जाएगा, काटो सीधा जाते हैं हम जो एनालिसिस निकला है उस को मैं फर्स्ट पेज पे कर देता हूँ। बिल्कुल ये जा क्यों नहीं रहा भाई, बिल्कुल फर्स्ट पेज सेकंड पेज से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है 3-2-1। तो अब जो मैंने ये स्कोर्स बताए थे जो सबसे सिमिलर प्लेयर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रूनो यूनाइटेड वाले एंड लिवरपूल वाले जो भी है वो सब हटा के अगर जो भी क्या कहते हैं जो मिर्ची आप दोनों के बीच में वो सब हटा के अगर हम देखें, जो भी राइवलरी हटा के देखें, तो सोबोस्लाय फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंसिवली देखें तो सोबोस्लाय मुझे नहीं लगता कि इतना यूज़ होता है क्या नाम है डिफेंसिवली इस लाइप्ज़िग में। जैसे आप देख रहे हो चैलेंजेस लॉस एंड एरियल ड्यूल्स लॉस पे, तो मतलब ये आप देख रहे हो एंड एरियल ड्यूल्स वॉन में भी देखो, ब्रूनो फर्नांडिस जो कलर सी ग्रीन है 0.5 की तरफ जा रहा है वो, लेकिन एरियल ड्यूल वॉन में उसका देखो 0.2 की तरफ जा रहा है। सेम मतलब एरियली तो यूज़ नहीं हो रहा, मतलब कोई ऐसी बॉल आती है जैसे सपोज करो कीपर ने बॉल दी एंड उसने जो भी स्ट्राइकर है जैसे एंड्रेस रिवा खेल रहा है, कभी टीमो वर्नर का पता नहीं भाई वो एरियल ड्यूल करता था कि नहीं करता था, एंकुंकू ठीक है जो भी है, तब कोई मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रेस रिवा ले लेता हूँ, तो उसने भाई एरियल ड्यूल करके क्या कहते हैं वो बॉल जीती, जो लंबी बॉल आई एंड देन वो बॉल जीत के सबसे मतलब किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अगर जिस विंग पे अगर खड़ा है सोबोस्लाय तो उसको दे रहा है कि वो सेकंड बॉल जो होती है ना सेकंड बॉल वो सोबोस्लाय कलेक्ट कर रहा है। तो मतलब एरियली सोबोस्लाय का इतना कोई काम नहीं है जितना मतलब ब्रूनो फर्नांडिस भले ही वो लंबा है मगर साल्सबर्ग क्या लाइप्ज़िग में उतना उसका यूज नहीं हुआ है रियली, आप ऐसे यूज नहीं हुआ करवाया नहीं गया सिस्टम भी, ये भी कह सकते हो आप। और रिकवरीज में देखो आप देखो यहाँ पर रिकवरीज भी ज़्यादा करता है ब्रूनो, काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है हम लोगों को पता है। नेक्स्ट कंपेयर करें हम हार्वी एलियट से जो आपका प्लेयर है, तो रिकवरी का छोड़ के देखिए रिकवरी में एक लंबा सा एक ट्रायंगल सा बन रहा है आप देख रहे हो हार्वी एलियट का ही है एंड ड्रिबल चैलेंज का भी देख के, तो अगेन ये थोड़ा स्टैट थोड़ा डिफर करते हैं बिकॉज क्योंकि किसी टीम का सिस्टम अलग होता है, कोई ऐसा टाइप का फुटबॉल खेलती है, कोई ऐसे टाइप का फुटबॉल खेलती है, कोई अलग फॉर्मेशन खेलती है, कोई अलग फॉर्मेशन खेलती है, तो ये चीज़ है कोई। और ये भी लास्टली कि कोई कौन कितना हाई लाइन खेलता है ये सभी पता चल जाता है, तो लिवरपूल काफ़ी हाई लाइन खेलती है एज कम्पेयर टू शायद सोबोस्लाय, मतलब लाइप्ज़िग इतना नहीं खेलती हो अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो। लेकिन आप ये फिर भी आप देख रहे हो कि सबके आसपास आ रहा है सोबोस्लाय, हार्वी एलियट के तो आसपास आ रहा है, अगर देखिए उसे एक्सीड नहीं कर रहा लेकिन आसपास आ रहा है। अगेन इसका एरियल ड्यूल लॉस एंड चैलेंजिंग लॉस पे इतना ही नंबर है, बर्नार्डो से भी कंपेयर करें उतना ही नंबर है। हाँ बर्नार्डो से हमें कंपेयर करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप ये देख लो इंटरसेप्शन पासिस ब्लॉक्ड एंड चलो रिकवरी भी देख लो तो उसके आसपास ही आ रहा है। देन लास्टली जेम्स मेडिसन जो तो थोड़ा कुछ क्लियरेंस इंटरसेप्शन पे नंबर उसका आगे बढ़ गया, ये हो गया डिफेंसिव वाले। लेकिन नाउ कमिंग टू द गोल क्रिएशन स्टैट, उस पर आप ये देख रहे हो शॉट्स ऑन टारगेट, शॉट्स पे आप ये देख रहे हो हाँ ब्रूनो फर्नांडिस का ऑब्वियसली उसका ऊपर ज़्यादा है। शॉट क्रिएटिंग एक्शन SCA मतलब शॉट क्रिएटिंग एक्शन, GCA मतलब गोल क्रिएटिंग एक्शन, SCA टेक ऑन मतलब शॉट क्रिएटिंग एक्शन बाय टेकिंग ऑन सम प्लेयर
जीसी मतलब उतना ही वही, और पीआरजी प्रोग्रेसिव पास रिसीव्ड, मतलब कोई बॉल जो प्रोग्रेसिव पास होगा वो उसने रिसीव करी, और एक्सजी एंड नॉन पेनल्टी एक्सजी और ये गोल सारा नहीं बताऊंगा, मतलब ये तो फिर बहुत डिटेल हो जाएगा कि एक स्टैंड कैसे होता है। तो शॉट्स एंड टारगेट में, शॉट्स में आप देखो ब्रूनो फर्नांडिस चलो हाँ नंबर से एक्सीड कर रहा है, बट सुबोस इलाका आप नंबर देखो जो हाइड हो रहा है उसका जो मार्क है वो आसपास है उसके, ब्रूनो फर्नांडिस के वो हाइड हो रहा है लेकिन उसके आसपास है, सेम प्रोग्रेसिव पास रिसीव पर भी देख रहे हो आप, मतलब चलो इससे हार्वे एलिट से कंपेयर कर रहे हैं और इससे पता चल जाएगा शॉट्स ऑन टारगेट एंड शॉट्स। यहाँ आपको ये क्या आपको नहीं लग रहा कि शोज लाए को जैसे आपको वालवर्डे है कि वालवर्डे को ऐसे पासिस मिलते हैं या फिर कुछ भी मिलता है ऐसे डिलीवरीज मिलते हैं ताकि वो शॉट्स ले पाए, उसकी शॉट एक्यूरेसी अच्छी है ठीक है, अगर मैट्रिक के टर्म में बोलते हैं एक वो होती है मैट्रिक एक्जीओटी मतलब क्वालिटी ऑफ शॉट्स आफ्टर हिटिंग द शॉट कैसा है, तो उसका एक्जीओटी का नंबर सबसे ज़्यादा होगा अच्छा होगा रियल मैड्रिड पे। सेम चीज़ यहाँ पर शोज लाए की शॉट्स वाली जो एक्शंस है सॉरी शॉट्स की क्वालिटी है अच्छी है, तो हार्वे एलियट शॉट्स उससे ऊपर जा रहा है, प्रोग्रेसिव पासिंग रिसीव में भी आप देख रहे हो ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ सिस्टम, बर्नार्डो सिल्वा से भी ऊपर है देखो आप सेम चीज़। लास्टली जेम्स मेडिसन के तो पास पास है, मेडिसन ने थोड़ा ऊपर कर दिया उसको ठीक है। लास्टली मैं इसमें बॉल प्रोग्रेशन बोलना चाहूँगा, मतलब बॉल प्रोग्रेशन मोस्टली डीप लाइन प्ले मेकर या फिर नंबर एट करते हैं, तो मुझे यहाँ नहीं लग रहा कि बॉल प्रोग्रेशन पे सुबोस लाए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर हम चारों प्लेयर को देखें हार्वे एलिट से भी देखो आप ठीक है, सेम मतलब हार्वे एलिट के सारे नंबर उससे ऊपर है, बर्नार्डो सिल्वा से भी तो हो गई ऑब्वियसली यार, बर्नार्डो तो है ही, देन जेम्स मेडिसन से भी है, तो ये चारों मतलब मैं आप प्लेयर हाँ बोलो मतलब कि ये चार्ट से अभी तो ऐसा पता चल रहा है कि सुबोस लाए का काम चांसेस बना के देने का ज्यादा नहीं था, नहीं मतलब वो बहुत डीप नहीं खेल रहा था, वो बहुत ज्यादा वन टू पासिस में इन्वॉल्व नहीं होता था, या इस चार्ट से तो वैसा ही पता चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसका काम नहीं है कि उन बंदों को ढूंढना कि मतलब किसी के लिए स्पेस क्रिएट करना बॉल से मतलब या ऐसी डिलीवरी देना, मतलब हाँ स्ट्राइकर को देगा ही, स्ट्राइकर को तो ऑब्वियसली देगा क्योंकि वो कैम खेल रहा है या फिर विंगर खेल रहा है उसको तो देगा ही, लेकिन वो जो मिडफील्डर्स होते हैं जैसे आपका वो था मैकेलिस्टर आ रहा है, उसका काम मोस्टली ये होगा कि फाइनल थर्ड में बॉल पहुँचाना, विंगर्स को बॉल पहुँचाना, स्ट्राइकर अगर स्ट्राइकर को दे सकता है ऑब्वियसली तो उसको बचाना, लेकिन सुबोस इलाय का उल्टा काम, मतलब सुबोस इलाय का वो है कि सपोज करो मैकेलिस्टर ने बॉल दी विन करके एंड मैकेलिस्टर या फिर जो भी फाविनो उन सब ने विन करके सुबोस इलाय तक पहुँचाई, और सुबोस इलाय ने लास्ट यू नो असिस्ट दे रहा है, आप असिस्ट में तो इतना नहीं है, यहाँ देखो सुबोस इलाय जेम्स मेडिसन से देखो आप यहीं पर असिस्ट में देखो असिस्ट ईयर असिस्ट पर 90 आप उसका नंबर ज़्यादा है, बर्नार्डो सिल्वा से भी ज़्यादा है, हार्वे एलिट से भी ज़्यादा है, अब ब्रूनो से भी हो गया तो ब्रूनो से भी ज़्यादा है, ब्रूनो से भी यू नो ही मतलब वो लास्ट मतलब जो बॉल होती है जो अब बॉल क्या कहते हैं गोल के अंदर जाए या स्ट्राइकर को डिलीवरी देना फीड करना वो कर रहा है वो सुबोस इलाय, तो यू नो एक काइंड ऑफ ऐसा प्लेयर आ रहा है जो अपॉर्चुनिटीज स्ट्राइकर के लिए बना के दे रहा है ये कह सकते हो आप। बहुत ही अच्छी ये आपकी एनालिसिस है, और एक और चीज यहाँ पे हमको समझ में आई कि जो रोल का प्लेयर हमने साइन किया है उसकी वजह से शायद लिवरपूल की जो करंट हम प्लेइंग स्टाइल है वो चेंज होगा, लग तो रहा है मुझे भी कि चेंज होगा, या फिर मेरे ख्याल से मुझे क्या लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ऑब्वियसली कमेंट में सब लोग बता सकते हैं या आप भी बता सकते हो कि क्या पता साला को हम स्ट्राइकर खिलाएं, हाँ मतलब आप लिवरपूल वाले स्ट्राइकर खिलाएं एंड विंगर में सुबोस लाए और लूज दियर्स या जोटा को स्ट्राइकर खिलाएं विंगर में, ऐसा क्या पता हो सकता है ऐसा, या फिर कोडी गाकपो सेंटर पे राइट विंग पे आपका क्या नाम है साला लेफ्ट विंग पे सुबोस लाए ऐसे काइंड ऑफ लिंग, लेकिन आपको ये दिखेगा कि फ्रंट पे दिखेगा ये नहीं कि मुझे, या फिर क्या बिहाइंड द स्ट्राइकर एक बंदा वो भी खेल सकता है, बिल्कुल थोड़ा ट्वीक होगा जो भी हमारी सिस्टम है उसमें, आपने जो डेटा दिखा है वहां से एक चीज तो पूरी के पूरी पता चल गई कि ये बंदा गोल असिस्ट तो करता है, फाइनल थर्ड में उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है या फिर आप कह सकते हो कि शॉट बहुत अच्छे है, मतलब अगर आप उसको चांस बना के देंगे अगर वो शॉट लेगा, शॉट ऑन टारगेट भी मैंने देखा था कि बहुत ही अच्छा उसका चार्ट बना था, बहुत सारों को उसने बीट किया था सिर्फ ब्रूनो को छोड़ के, सो शॉट ऑन टारगेट भी बहुत अच्छे हैं उसके, असिस्ट में सबको बीट कर रहा है वो,
सो आउट एंड आप कह सकते हो कि साल्सबर्ग सॉरी लाइप्ज़िग का जो डेटा है वो ये दिखाता है कि हमने बहुत ही अच्छा अटैकिंग प्लेयर साइन किया है जिसका लाइप्ज़िग उतना ज्यादा डिफेंसिवली यूज नहीं करती थी या फिर वो उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। अब लिवरपूल को देखना होगा कि यार क्या उसकी गेम को वो क्लॉप इवॉल्व करेगा, उसको थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा डिफेंसिवली, तो वो फ्यूचर की बात है। अभी के जो डेटा है वो आपको क्लियर पिक्चर दिखा दे कि ये अटैक वाला बंदा है और बहुत ही अच्छी तरह से वो जैसे सारांश ने बोला कि आपका जो स्ट्राइकर है उसके लिए चांस बनाएगा या फिर खुद शॉट लेके ज्यादातर कन्वर्ट कर देगा। ये कह सकते हो कि कन्वर्जन रेट, गोल कन्वर्जन रेट पे इसका काम होगा। लाइक अगर हम देखें आज के छः महीने बाद की डेटा देखें कि प्रीमियर लीग में क्या चल रहा है, तो क्या पता गोल सुबोस लाए उस टॉप फाइव में हो गोल कन्वर्जन रेट पे, बिग चांस क्रिएशन पे, क्या हो सकता है या फिर अंकुंकु भी। वैसे सारांश एक आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहे हो, हमने तो डेटा के साथ तो बात कर ही ली। हमारे क्लब में वैसा एक प्लेयर पहले भी आया था, देखो जीनी वाइनाल्डम जब न्यूकासल में खेलता था एज अ विंगर खेलता था लेफ्ट विंग पे, मगर यहाँ पे जब आया क्लॉप ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से मिडफील्ड में यूज किया। सो चेंजेस तो हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। अगेन मैं नहीं मानूंगा जिस तरह से तुमने डेटा बताया, ये तो बहुत ही ज्यादा अटैकिंग प्लेयर है, मगर मैकलिस्टर का थोड़ा रोल पीछे आ जाए, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जो ब्राइटन में करता था उससे थोड़ा डिफेंसिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ जाए और इसको लाइसेंस मिले कि भाई जाओ तुम डियाज के साथ, साला के साथ, गैपको के साथ ज्वाइन हो और चांस बनाओ। हाँ ये भी हो सकता है कि यार तो फॉर्मेशनल चेंज होगा, लाइक मैं अभी मेरे दिमाग में जैसे आपने बोला कि अब मैंने एक फॉर्मेशन बनाई जैसे फोर, बाकी जो पीछे डिफेंडर है वो तो छोड़ो क्योंकि वो तो हाँ। वही रहेंगे। वन पे हो गया आपका 4-1-2-1 ये सोच रहा था मैं, अभी विंग प्लेयर हट जाए 4-1-2-1-2 डायमंड हाँ, तो उसमें से स्टेडियम पे वन जो 4-1 के बाद वन आता है उसमें आ गया आपका फेबिनो, वो टू जो आगे का टू आया उसमें आ गया मैकलिस्टर और क्या नाम है उसका थियागो, आगे फिट रहता है तो उसके आगे वन पे कैम पे शुभोसला है और दो स्ट्राइकर साला नूने साला गाकपो ऐसा कुछ लिंकअप हाँ जो भी अवेलेबल हो, मतलब कि ये अच्छी तुमने हाईलाइट की कि भाई अगर हम वो जो आगे वाला डायमंड में नंबर 10 भी बोल सकते हो कैम भी, वो गैपको भी खेल सकता है, शुभोसला भी खेल सकता है। सेम अटैक में देखो तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जोटा है, डीएस भी खेल सकता है, नूनस भी खेल सकता है राइट साइड पे, जो अगेन हमने एक बार डीएस को भी ट्राई किया था राइट पे, साला तो है ही। सो अटैकिंग वाइज अच्छे ऑप्शन बन गए हैं हमारे पास। हाँ लेकिन इससे एक ये चीज अभी मैं सुबह से सोचा कि अगर ऐसा होता है तो फिर फुल बैक पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी विड्थ की प्रोवाइड करने की दोनों फुल बैक पे, और इसमें फिर ट्रेंट की अगेन ट्रेंट का एक्सपोजिंग जो भी एक्सपोज हो रहा था कि भाई वो आगे जाता है तो फिर उसकी कवर हैंडरसन नहीं कर पाता, लेकिन हाँ मैकलिस्टर आ गया है अब, लेकिन फिर मैकलिस्टर को थोड़ा हाँ जो आपने बोला कि थोड़ा थोड़ा पीछे बैठना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रेंट की जो रिकवरी करनी है वो उसी बंदे को करनी पड़ेगी जो उसके सामने वाला मिडफील्डर खेल रहा है, एंड आई प्रेफर मैकलिस्टर खेले उधर, क्योंकि मैंने ये बात शायद वहाँ भी बोली थी कि मैंने सिंधम वांग पर जो हमने मैकलिस्टर की वीडियो करी थी तो उस पर यही बोले थे कि मैकलिस्टर कैन डेफिनेटली एप्लीकेट हैंडरसन वाला रोल जो था जितना भी उसने काम किया है लिवरपूल के उस पर, और हाँ वो हैंडरसन कौन सा जा रहा है मतलब जब सब्स्टिट्यूशन कर रहा हो तो वो भी हैंडरसन आ सकता है वहाँ पर, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि शुभोसला है जो आपने वैनाल्डम वाली बात करी कि वो विंग खेलता था, मैं उस पर आखिरी बात बोलना चाहता हूँ कि शुभोसला है या तो देखो ये दो ही चीज़ होनी है, या तो सिस्टम चेंज होना है जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने दिया, या तो कुछ उसका अब जो काम करवाया गया है लाइप्ज़िग में शुभोसला का अब उसको ट्रांसफॉर्म करा जाएगा कुछ नया रोल देख के, वो हो सकता है, ये दो चीज़ होनी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्या लगा कि जो सारांश ने डेटा दिखाया है, हम दोनों ने जो बात की है
आप अग्री करते हो नहीं करते, आपको क्या लगता है क्या रोल होगा उसका, कमेंट में लिख सकते हो। और प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पोएटिक स्किल सारांश के चैनल है, बहुत ही अच्छा डेटा वो प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है। इंडिया पे अभी लेटेस्ट बहुत बढ़िया वीडियो है, वहां पे जाके चेक कीजिए, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।